विधायक कहाँ से हो रहा है? अरे ये विधायक जीएमडी हमारे अंडर नहीं है, जीएमडी तो विधायक अंडर में ना, विधायक कहाँ से हो रहा है बताओ? वोटिंग के बाद से विधायक जी का यहाँ पे एक दिन भी ना हमारा एमएलए ना हमारा एमपी, वोट लेने के बाद 5 साल यहाँ पे कोई दर्शन नहीं दिखाता हमें, उनकी हम शक्ल भूल जाते हैं, शक्ल से ही नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। पानी चाहिए, पानी नहीं होगा तो किसी का वोट नहीं होगा। 3 बार आया है भाई, सुनो विधायक आया है, विधायक आया क्या? 3 साल हो गए विधायक बने हुए, आया तो बताओ, विधायक 3 बार भी नहीं आया यार, बार बार विधायक विधायक कर रहे हैं, आज तक आया नहीं 3 साल में। पानी नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा, और जब नेता बीजेपी का जब कांग्रेस का यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा बाहर के किसी नेता को, यहाँ पे या तो हमारी समस्या को बीच में आइए वरना हम यहाँ से चले जाइए। गुरुग्राम का एक इलाका राजनीति का इतना शिकार हो चुका है कि वहाँ के सैकड़ों परिवार पानी के लिए मोहताज हैं। हालात ये है कि वो रोजाना पानी खरीद कर पी रहे हैं क्योंकि राजनीति के चलते उनके 2 ब्लॉक की लाइनें बंद हो चुकी हैं। आखिर कौन सा है ये इलाका और कौन है वो लोग जो राजनीति का शिकार हो रहे हैं, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां जिला प्रशासन हो, एमसीजी हो, जीएमडी हो, सभी दावे करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कागजी दावे साबित हो रहे हैं। और गुरुग्राम का एक ऐसा इलाका है जो शहर के बीचों बीच है, जहां पानी के लिए लोगों को अपना सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम इस समय हैं गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुष रेसिडेंट्स पिछले काफ़ी समय से पानी के लिए इतना परेशान हो चुके हैं कि ये लोग टैंकरों से पानी खरीद कर मंगा रहे हैं। इनका ये आरोप है कि ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं। 2 ब्लॉक का पानी पिछले 1 महीने से रोका गया है और टैंकर मंगा कर इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। आखिर पार्षद के पास ये गए हैं, एमसीजी में गए हैं, जीएमडीए के पास गए हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या दिक्कतें हैं इनके ब्लॉक में। मैम, आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि पिछले कितने समय से आप पानी के लिए परेशान हैं? आज हमें टोटल 27 डेज हो चुके हैं, 27 दिन, और मैं आपको बताना चाहती हूँ हम इतने परेशान हो चुके हैं। टैंकर वाला वो भी हमें ब्लैक में टैंकर दे रहा है, कभी 1000 रुपये, कभी 1200 रुपये, हर दूसरे दिन हमें टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। और 27 दिन से हमें यही बोला जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि कल आएगा पानी, कल आएगा। हम 27 दिन से बेवकूफ़ बन रहे हैं। तब हम सारी लेडीज़ ने एक गैंगअप करके एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें हम लोगों ने सोचा कि चलो हम जाते हैं। फिर हम अपने जो भी है हमारे विधा पार्षद के पास गए। फिर आज हम जब हमने 5 दिन से वो भी ये आजकल कर रहे हैं, फिर आज देखिए पार्षद का भी इनको, जो कि डिप्टी मेयर है इस इलाके की, गुरुग्राम की डिप्टी मेयर है, वो भी आजकल पे टाल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि घर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जब तक पानी का इंतजाम नहीं होगा आप ड्यूटी नहीं जाइए। ड्यूटी छोड़कर सर क्या क्या दिक्कतें झेल रहे हैं? आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 1 महीने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जी ब्लॉक, एच ब्लॉक और जे ब्लॉक, एक गिलास पानी पीने को नहीं है, एक एक बूंद तरस रही है दुनिया। ये पब्लिक का हाल देखो, डिप्टी मेयर के 6-6 चक्कर लगा चुके हैं। लास्ट में हमने माननीय सुधीर सिंगला जी से ज्ञापन देके आज मैंने बात की, उन्होंने अभी टीम भेजी है। ये नहीं कि कुल मिला के कोई सुनवाई नहीं है। मैडम मांझी, आप बताइए। हमें पूरी रात उठ के पानी, कभी 1 बजे 2 बजे सोना भी मुश्किल हो चुका है, दिन में भी पानी नहीं आता है, हम क्या करें? रात को सो नहीं पा रही है, ड्यूटी नहीं जा पा रही है, हालात ये देख पा रहे हैं। एक महिला की आवाज नहीं है पूरे, और टैंकर का गंदा पानी पीकर हमारे बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। इस गंदा पानी क्या आपको फ्री मिला है? पैसों में 15-15 गंदा पानी भी 1-1000 रुपए का खरीद कर पिया है। कहाँ है इनके जो निर्वाचित पार्षद, कहाँ है इनके निर्वाचित MLA? किस लिए आखिर ये लोग गंदा पानी को पीने को मजबूर है? ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहाँ पर राजनीति सबसे बड़ी हावी हो रही है। कोई लोग अपने इलेक्शन के लिए हम इलीगल है, वोट मांगने के लिए हम इलीगल है। जब वोट मांगने जब आते हैं तो क्या वो करते हैं? पानी देंगे, बिजली देंगे, सीवर लाइन देंगे, कुछ नहीं मिलता। अब कहाँ है वो, कहाँ है आपके? 1 मिनट भाई साहब, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। सर ये कहते हैं कि हमारी कॉलोनी इलीगल है, यहाँ पर हमारी गली में देखिए हमारी गली में 7
सात समर सीवर है, सात समर सीवर है, समर सीवर लगना लीगल है इन लोगों के लिए। लेकिन ये देखिए, कॉलोनी को इलीगल, भले ही इलीगल हो लेकिन मूलभूत सुविधाएं बिजली पानी और सीवर ये सभी के लिए कोर्ट के आदेश है। हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिजली दी गई है, फिर पानी के लिए क्यों मोहताज है? क्या आने वाले समय में क्या 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 आप वो क्या आप कर रहे हैं? जो जिन लोगों जो वोट मांगने आते हैं उनका क्या इलाज सोच रहे हैं? देंगे जी, बिल्कुल नहीं देंगे। अगर फटक यहाँ अगर वोट मांगने आ गए ना, वोट मांगने आ गए ना, धक्के मार के निकाल देंगे, घुसने नहीं देंगे। हमारे वो कहते हैं सीवन की तरफ, वोट के लिए ये खुद से चल के आते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम चल के जाते हैं तब भी ये देखिए, ये महिला, ये आज महिला शक्ति सामने आ रही है रोड पर। जेंट्स यहाँ के जो जो कोई भी वोट मांगे ना, किसी भी पार्टी का है, कोई वोट नहीं मिलेगी, ना बिजली ना पानी। हम इलीगल है ना, तो इलीगल से वोट मांगने भी ना आए। वोट बने हुए हैं ना आपके? बिल्कुल इलाके के वोट बने हुए हैं, पूरी कॉलोनी के वोट बने हुए हैं। लेकिन इस बार कोई भी वोट लेने आए किसी को? कितने चक्कर काटे आपने अपने नेताओं के? कितने चक्कर काटे? पांच बार चक्कर काटे। लेकिन 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 सुधीर, मिस्टर सुधीर जी, कोई गिनती नहीं है चक्कर कितने काटे हैं। चक्कर काट काट के ये हालात हैं। एमएलए और अपने इलाके के जो पार्षद हैं, डिप्टी मेयर हैं, सबके चक्कर काट चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इनकी। हालात ये है कि आज महिलाओं को रोड पर भी नहीं है और सीवर भी पूरे भरे पड़े हैं, पूरी गलियों में इतना पानी गंदा भरा पड़ा है, निकलने में मुश्किल हो रहा है। क्या यही हालात है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटी तक नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि जी बताइए क्या कहना चाहेंगे जी, आइए। परेशान है भैया, डेली टैंकर मंगाते हैं 1000 रुपए का, हाँ। और यहाँ पे समरसिबल हलाने के लिए भी 2 लाख रुपया मांगा जाता है, तो लोग ऐसे ही परेशान है। अरे सर, हमारे पास गुड़गांव 900 मीटर के कोर्ट के ऑर्डर है, ऑर्डर कॉपी है, उसमें कोर्ट ने साफ बोल रखा है बिजली पानी आपका अधिकार है। और कुछ जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे कि ये इनलीगल पाइप है। और आप हमें एक चीज बताइए, आप खुद अंदाजा लगाइए, आप समझदार हो क्या, ये इसी ब्लॉक में इनलीगल कैसे हो गया? जे ब्लॉक में पानी पाइपलाइन कैसे चालू है? तीन ब्लॉक एक सेकंड सर, और हमारे पार्षद जी हमारे साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये महिलाएं कह रही हैं। और सबसे बड़ी चीज सुनिए, डिप्टी मेयर की सुनवाई नहीं है तो शहर में किसी की सुनवाई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि पार्षद की कोई सुनवाई नहीं है, डिप्टी मेयर की सुनवाई नहीं है तो फिर शहर में सुनवाई नहीं है। आपको एक सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले तो आप ये बताइए कि सुनवाई के, मैं आपको बताऊं, ये एरिया, ये पानी की जिम्मेवारी MCG के अंडर आती है, GMDA के अंडर नहीं आती। GMDA मेन लाइन के लिए होता है, MCG की डिप्टी मेयर की सुनवाई नहीं है तो क्या फिर किसकी सुनवाई है? सर सुनवाएगा, मैं बता रहे हैं। नहीं नहीं सुनवाई नहीं है पूरी तरह से। सर मैं अपनी बात फिनिश कर लूं, मैं अपनी बात फिनिश कर लूं। गजय सिंह गवलाना जी भी पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री खट्टर के आदेश है। अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, पहले आप अपने इलाके के पार्षद डिप्टी मेयर से तो पूछिए। गजय सिंह कबलाना जी भी आ गए हैं, आइए जी पूछिए, आप ही पूछिए। मनु, ये GMDA लाइन हमारी नहीं, GMDA मेन लाइन का वो करता है, अंदर की छोटी लाइन के लिए MCG बकायदा मेरी GMDA के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने मेरा मैसेज भेजा है। भाई जी चलो बताओ, डिप्टी मेयर हमारा, मेयर हमारा, तो हम खींच जाएंगे फिर। चलिए किसी की भी है, मान लीजिए हमने GMDA की है, लेकिन आपका फर्ज बनता है इलाके में पानी दिलवाना। GMDA की ना हमारी 2 लाइन बंद कर दी थी, गंदे नाले पे किए, फ्लो मीटर लगाए पिछले 1 महीने से, और GMDA कह रहे हैं कि हम पैसा लेते हैं MCG से, तब हम फ्लो मीटर लगा दिए, फ्लो मीटर GMDA के हैं। सर मान लिया, लेकिन क्या ये लोग बिना पानी के रहेंगे 1 महीने से? आपने कोई समाधान के लिए आप लोग गए? सुनो मैं तो 10 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन GMDA वाले कह रहे हैं कि जी हम फ्लो मीटर ठीक कर रहे हैं। फ्लो मीटर की आप खुद देखिए कि खुद पार्षद रहे हैं, पूर्व पार्षद, इस समय डिप्टी मेयर के इनकी वाइफ हैं, 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है इनकी, तो ये आम आदमी कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। मेरी GMDA के अधिकारियों से बात हुई है, मिस्टर अभिनव वर्मा, उन्होंने मुझसे मैसेज भेजा है, फ़ोन नहीं उठाया है, कि ये MCG के अंडर है तो किससे क्या बात की जाए? मैं ये कह रहा हूँ ये GMDA की लाइन है, हमारी लाइन नहीं है। GMDA ने, मैंने खुद आज GMDA की PRO नेहा शर्मा जी से बात की, उन्होंने मुझे अभिनव वर्मा जी का नंबर दिया, मैंने कॉल किया, उन्होंने काट दिया, लेकिन जब उन्हें मैंने मैसेज भेजा तो उन्होंने रिप्लाई किया है कि ये GMDA के अंडर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है, मैसेज मैं आपको दिखा दूंगा, कि ये अनऑथराइज एरिया है,
ये इसलिए इसकी टेक केयर एमसीजी करता है, ये उनका मैसेज आया हुआ है मेरे पास, मैं मैसेज आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, अभिनव वर्मा जी ही मेरे को मैसेज भेजकर यही सब कुछ बताया है कि ये अनऑथराइज एरिया है। तो एमसीजी तो आप ही देख रहे हैं ना, ये देखिए सर, ये देखिए, ये अभिनव वर्मा जी का, अशोक विहार फेज 3 इज अनअप्रूव्ड एरिया विच इज बींग मेंटेन्ड बाई एमसीजी नॉट बाई जीएमडीए। ये देखिए मैसेज, ये मैसेज मैंने जो अभिनव वर्मा जी के द्वारा भेजा गया है एमसीजी, अब आप खुद देखिए यहाँ आने से पहले जी, जीएमडी के अधिकारी भी आए हुए हैं। नहीं सर, मैं तो जीएमडी हूँ, ये स्मार्ट सिटी ने लगवाया है। ये एरिया किसके अंडर आता है? ये एमसीजी का है, एमसीजी का। यार ये मीटर किसने लगाया बताओ? यार मीटर आप छोड़िए ना, एरिया में पानी देने की जिम्मेदारी दूसरे घर में, कैसी बात कर रहे हो? जीएमडी ये मीटर किसने लगाया? पानी देने की जिम्मेवारी पूछ रहे हैं, मीटर तो हमें पता नहीं है। जीएमडी की पानी दे सरकार। अब सबसे बड़ी देखिए सबसे बड़ी बात, जीएमडी के कहते हैं एमसीजी की, एमसीजी कहते हैं जीएमडी की, इसका कोई ये हालात हो चुके हैं। रखी है जीर जी ना, फेंक लो, दोनों बुलाओ जीएमडी को, उसको बुलाओ। अब ये देखिए जी जी जी, पब्लिक बताइए कि पब्लिक क्या करे, अब हम किसके ऊपर बिलीव करें? हमें सिर्फ पानी चाहिए और पानी के लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। नहीं, मिलाकर इस अभी तक इस चीज का कोई हल नहीं है। हमारी सबसे पहले तो हम ये बात राजनीतिक नहीं है, मनु राजनीति नहीं है तो आप खुद बताइए। अरे सुनो जी, मैं हाईकोर्ट में गया था, मैं 70 लाख रुपए खर्च करके पानी लेके आऊँ यहाँ शीतला कॉलोनी, फिर भी एक महीने से लोग पानी लिए 25 दिन से नहीं आ रहे, पता है मेरे को भी, लेकिन ये राजनीति की बात नहीं है, कोई यहाँ वो नहीं है। ये जीएमडीए ने मीटर लगा दिया, दोबारा कर हम जीएमडी ने मीटर लगा दिया, पहले ये समझ नहीं आ रही है कि ये जीएमडीए के बारे में कह रहे हैं और जीएमडी के अधिकारी इन्हीं के साथ खड़े होके एमसीजी का कह रहे हैं। खैर हमारी अब पब्लिक ने मारे को सारे पानी बिना परेशान हो रहा है, रहेंगे हम लोग समाधान कर रहे हैं, वो बच्चों का छोट छोटा लेके हटवा दीजिए। हाँ सरकार के नीचे कर रही है वो। अच्छा विधायक जी, आपके इलाके के विधायक कहाँ हैं? विधायक हाँ जी, विधायक कहाँ सो रहा है? अरे ये विधायक जीएमडी हमारे अंडर नहीं है, जीएमडी तो विधायक के अंडर में ना, विधायक कहाँ सो रहा है बताओ? विधायक को आज ही, ये सबसे बड़ा आज ही टीम भेज 25 दिन से विधायक जी ने आज ही संपर्क हुआ, आज ही टीम भेज दी। ये लड़ाई एक नई लड़ाई सामने आ चुकी है कि इस समय जी ने जी नमस्कार, विधायक साहब भी गायब है, तो ऐसे विधायक जब आएंगे तो क्या कर रहे हैं अब आने वाले, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो विधायक जी गायब है, विधायक जी का क्या हुआ? विधायक करवाए कोई करवाए काम, चंडीगढ़ फोन से बात हुई यार, उन्होंने टीम भेजी है जांच करवाने के लिए अभी काम पे। अब जब मीडिया पहुंच गई है तो टीम भी चली, एनीवे आज तक 25-27 दिन से पता नहीं चला किसी को, 25 दिन से पता नहीं चला किसी को कि हम यहाँ पे परेशान है पानी के बिना, 25 दिन से किसी को नहीं पता चला यहाँ पे, आप बताइए। राजनीति स्टंट है, ये राजनीति स्टंट, वोटिंग के बाद से विधायक जी का एक दिन बिना हमारे एमएलए ना हमारे एमपी, वोट लेने के बाद 5 साल यहाँ पे कोई दर्शन नहीं दिखाता हमें, उनकी हम शक्ल भूल जाते हैं, कहीं नहीं शक्ल से ही नहीं जानते, एमएलए हम जानते हैं एमएलए को नहीं जानते शक्ल से, सारे एमएलए हैं कभी पोस्टर में तो नहीं और सुनो पोस्टर में तो देखा होगा, पोस्टर नहीं है, ये गारंटी दे रहा हूं अगले 4 साल और आ जाए तो, ये गारंटी दे रहा हूं अगले 4 साल और आ जाए तो कॉलोनी में। मनु भाई यहाँ आप बताइए, अभी बोल रहे हैं अंकल भैया बता रहे हैं कि अभी एमएलए साहब को पता चला है अभी आ गए काम कराने, ये भैया झूठ तो बोल रहे हैं, वही मैं जो राजनीतिक मुद्दा है इन लोगों ने बना रखे हैं, मेयर साहब कर ये कर रहे थे कुल मिला के विधायक जी क्या 27 दिन से पता नहीं चला था यहाँ पे पानी नहीं है तो तब तुमको कड़े वाले विधायक ने आड़े पैर की लाल कपड़े आगे गरीब तो कहा था तुम, हमने 15 दिन से 25 दिन से नहीं आ रहे, समाधान देना चाहिए ना, हम 25 दिन से नहीं आ रहे, इन बीजेपी का कुत्तों ने रखा ही काम। ओ भाई सुन 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 ये सारा पानी, ये पानी क्यों कुल मिला के भाई साहब क्या मैं कह रहा राजनीतिक देखिए, हमें पानी चाहिए पानी, हमें बीजेपी कोई लड़ाई नहीं चाहिए, कुल मिला के इस समय हालात काफी खराब हो चुके हैं, ये देखिए ये हालात हो चुके हैं, ये राजनीति लड़ते रहेंगे, ये हालात हो चुके हैं। देखिए आपस में हम सबसे यही अपील करते हैं कि आप प्लीज
पानी को आप पानी को पानी भैया हमें सिर्फ पानी चाहिए, हमें पानी से मतलब है हमारा। अच्छा चलो पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ से खाली डोल उठ के जाएंगे, खाली डोल। पानी कुल मिलाकर अब यही सामने आ चुका है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। ये अब आने वाला समय ही बताएगा कि अब एमसीजी इसको टेक ओवर करती है, जीएमडीए करती है, पार्षद करते हैं या फिर बीजेपी के जो विधायक करते हैं और या फिर खुद राविंदर जी जो कि सांसद है, कौन इसकी टेक केयर करते हैं? क्या इन कॉलोनी वासियों को पानी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने आ रहा है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मनु मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।